हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज़ द एट लेक्चर ये मेरा आठवां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सात लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस सब्जेक्ट पे एंड दिस इज माय एर्थ लेक्चर वीडियो ये मेरा आठवां लेक्चर वीडियो है तो चलिए जल्दी से एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि पिछले जो सेवन लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था तो मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो मैं बहुत डिटेल में आपको पढ़ा चुकी हूँ ठीक है फिर उसके बाद चैप्टर सेकेंड जो था उसमें हमने डिटेल में जॉब अनालिस के बारे में समझा था जॉब अनालिसिस के यूजेस प्रोसेस मेथड्स डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकेशन ये सब हमने बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं ठीक है और लास्ट जो थर्ड चैप्टर था वो था अबाउट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी मैं पढ़ा चुकी हूँ डिटेल में जिसमें मीनिंग ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंस एंड प्रोसेस ये सब हमने डिटेल में समझा था एंड आज के लेक्चर में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज रिक्रूटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये रिक्रूटमेंट का ठीक है तो आज के लेक्चर से हम ये रिक्रूटमेंट का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं राइट right. <laughs> तो चलिए फिर देर किस बात की है जल्दी से हम एक बार देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे ठीक है तो ये जो चैप्टर है रिक्रूटमेंट का इसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी अबाउट मीनिंग रिक्रूटमेंट होता क्या है क्या चैलेंजेस है ठीक है क्या कंस्ट्रेंट है रिक्रूटमेंट के सोर्सेज क्या है रिक्रूटमेंट के तो दो सोर्सेज होते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल तो ये दोनों सोर्सेज क्या क्या होते हैं और इनके मेरिट्स डीमेरिट क्या है मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे राइट right? तो चलिए फिर आज का लेक्चर वीडियो हम स्टार्ट करते हैं रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट तो वैसे तो रिक्रूटमेंट ये जो टॉपिक है ये अगर आपने कॉमर्स पढ़ा है ठीक है अगर आपने कॉमर्स लिया था तो क्लास ट्वेल्व के बी में आपने थोड़ा सा रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ा होगा ठीक है अब ये हम लोग एच आर एम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पेपर पढ़ रहे हैं ये आप अगर बी बी ए में है या बी कॉम में है या एम बी ए में है तो वहाँ पे आप ये पेपर पढ़ रहे होंगे ठीक है तो यहाँ पर हम और डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट रिक्रूटमेंट राइट ठीक है तो रिक्रूटमेंट तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट जो एसेट होता है ना दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स वो उसका मैन पावर होता है वो उसके एम्प्लॉय होते हैं वो उसका वर्क फोर्स होता है ठीक है दैट इज़ एच आर ह्यूमन रिसोर्स तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉटेंट एसेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस uh, करेगी ठीक है आगे चल के सक्सेसफुल होगी या वो ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाएगी इट ऑल डिपेंड अपॉन द कैलिबर ऑफ इट्स वर्क फोर्स ठीक है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस पाएगी या फेल हो जाएगी ये डिपेंड करता है कि उसका ह्यूमन रिसोर्स कैसा है उसके ह्यूमन रिसोर्स का कैलिबर कैसा है उसके यहाँ जो इम्प्लॉयज़ हैं आर हार्ड वर्किंग क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड ठीक है लॉयल हैं कि नहीं इस बात पर डिपेंड करता है ठीक है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे चल के प्रॉस्पर करेगी ग्रो करेगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके जो ह्यूमन रिसोर्स है उनका एटीट्यूड कैसा है वो क्रिएटिव है हार्ड वर्किंग है लॉयल है किस टाइप के हैं उस बात पर डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन आगे चल के प्रोग्रेस करेगी या वो ऑर्गेनाइजेशन इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएगी ठीक है तो यानी हमें समझ में आ गया कि ऑर्गेनाइजेशन को अपना अगर गोल अचीव करना है ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी अपना ऑब्जेक्टिव लिया है जो भी गोल लिया है उसको अगर अचीव करना है यानी ऑर्गेनाइजेशन वांट्स राइट काइंड ऑफ पीपल इन इट्स ऑर्गनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए सही राइट right टाइम पे राइट पीपल एट राइट जॉब चाहिए ठीक है तभी ऑर्गेनाइजेशन फ्लरिश कर सकती है तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए ऑर्गेनाइजेशन नीड टू रिक्रूट द राइट काइंड ऑफ एम्प्लॉय इन इट्स ऑर्गेनाइजेशन तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को रिक्रूटमेंट सही पर्सन का रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा ठीक है जिस क्वालिफिकेशन जिस स्किल जिस एक्सपीरियंस का एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयी Uh, चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को वो पर्सन ऑर्गेनाइजेशन को रिक्रूट करना पड़ेगा तभी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सकती है तो इसलिए ये जो रिक्रूटमेंट का टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्यूचर है वो उसके एम्प्लॉय पर डिपेंड करता है और इसके एम्प्लॉयी कैसे होंगे वो ऑर्गेनाइजेशन जैसा रिक्रूटमेंट करेगी उस पर डिपेंड करता है ना अगर सही टाइप के पर्सनस को ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूट करेगी तो नो no डाउट ऑर्गेनाइजेशन आगे चल के बहुत ग्रो करेगी ठीक है तो रिक्रूटमेंट uh, क्या होता है मैं ये, ये बता देती हूँ तो मैंने आपको इम्पोर्टेंस बता दी कि रिक्रूटमेंट क्यों ज़रूरी है ठीक है अब जरा रिक्रूटमेंट होता क्या है ठीक तो रिक्रूटमेंट इज़ अ प्रोसेस अच्छा एक चीज़ और मैं पहले कहना चाहूंगी स्टूडेंट्स रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में बहुत कंफ्यूज होते हैं ठीक है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन अभी इसका मतलब मैं आगे सिलेक्शन भी पढ़ाऊंगी स्टूडेंट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं तो ज़रा समझ लीजिएगा ये जो दोनों चीज़ें हैं ये अलग है इवन इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है कि वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन तो वो भी मैं आगे चल के बताऊंगी जब मैं सिलेक्शन भी पढ़ा लूंगी तब ठीक है तो याद रखिएगा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन दोनों अलग अलग चीज़ें होती है ठीक हम यहाँ पे रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं तो रिक्रूटमेंट क्या होता है रिक्रूटमेंट वो प्रोसेस होता है जिसके तहत ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है सर्च करती है या कह लीजिए लोकेट करती है एंड इनकरेज करती है पोटेंशियल एप्लीकेंट को कि वो ऑर्गेनाइजेशन की जो जॉब ओपनिंग है उसके लिए अप्लाई करें ठीक समझ में आया रिक्रूटमेंट वो प्रोसेस है जिसके तहत ऑर्गेनाइजेशन सर्च करती है कि सही पोटेंशियल एप्लीकेंट कहाँ मिलेंगे ठीक है तो वो सर्च करती है लोकेट करती है और उनको इनकरेज करती है ठीक है उनको मोटिवेट करती है अच्छे एम्प्लॉय जो पोटेंशियल एम्प्लॉय है उनको मोटिवेट करती है वो कि वो ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब ओपनिंग है उसके लिए वो अप्लाई करें तो दिस इज़ रिक्रूटमेंट ये होता है रिक्रूटमेंट ठीक तो रिक्रूटमेंट एक टाइप का क्या हो गया रिक्रूटमेंट एक टाइप का लिंकिंग फंक्शन हो गया ये है ऑर्गेनाइजेशन और ये है वो एम्प्लॉ ठीक है जिसको जॉब चाहिए एम्प्लॉई क्या है जॉब सीकर ये एम्प्लॉड एम्प्लॉय जो है जॉब ढूंढ रहा है एम्प्लॉय नहीं पीपल ये एक पर्सन है जो जॉब ढूंढ रहा है ठीक है एंड ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास जॉब है ठीक है तो जो रिक्रूटमेंट होता है दिस इज अ काइंड ऑफ लिंकिंग फंक्शन ये जो रिक्रूटमेंट होता है इट्स अ काइंड ऑफ लिंकिंग फंक्शन ये एक लिंकिंग फंक्शन की तरह काम करता है ये ज्वाइन करता है किसको दोज विद द जॉब यानी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास जॉब है एंड जो जॉब सीकर है जिसको जॉब चाहिए इन दोनों को लिंक करने वाला जो फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट ठीक रिक्रूटमेंट के थ्रू जो पीपल होते हैं जो लोग होते हैं उनको पता चलता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है दे इज़ अ जॉब ओपनिंग हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हमारे अंदर वो क्वालिफिकेशन है हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ठीक तो दिस इज़ रिक्रूटमेंट काफ़ी स्टूडेंट को लगता है कि वो जो सिलेक्शन uh, होता है ना दैट इज़ रिक्रूटमेंट यानी जो ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करती है ठीक है दैट इज़ रिक्रूटमेंट तो कंफ्यूज मत होइएगा रिक्रूटमेंट में कोई अभी टेस्ट वगैरह नहीं होता है वो सिलेक्शन में होता है ठीक है रिक्रूटमेंट केवल एक प्रोसेस है कि जिसमें सर्च किया जाता है और जो लोग होते हैं उनको जो पोटेंशियल एप्लीकेंट होते हैं उनको मोटिवेट किया जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई करें तो ये केवल सिंपल सा एक प्रोसेस है ठीक है ये सिलेक्शन के पहले का प्रोसेस है रिक्रूटमेंट ठीक तो यानी रिक्रूटमेंट क्या है रिक्रूटमेंट इज डिस्कवरिंग द सोर्सेज रिक्रूटमेंट के थ्रू क्या किया जाता है फाइंड आउट किया जाता है डिस्कवर किया जाता है सोर्सेज कहाँ कहाँ पोटेंशियल एप्लीकेट मिल पाएंगे ठीक है कहाँ कहाँ पे पोटेंशियल एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर एम्प्लॉय कहाँ पे मिल पाएंगे ठीक है तो उसको डिस्कवर किया जाता है रिक्रूटमेंट में ठीक ये बात समझ में आ गई ठीक है तो यानी रिक्रूटमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन को पोटेंशियल एम्प्लॉय नहीं मिले ठीक है पोटेंशियल एम्प्लॉई नहीं मिले तो ऑर्गेनाइजेशन के आगे चल के ग्रो कर पाएगी नहीं ग्रो कर पाएगी ना तो इसलिए रिक्रूटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ठीक है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का राइट right? तो अब मुझे लगता है कि आपको रिक्रूटमेंट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया है ठीक समझ में आ गया ना चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ दिस इज़ द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी जनवरी 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास में कवर कर चुकी हूँ 600 से भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स में अपलोड कर चुकी हूँ तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा इसकी हेल्प से पढ़िएगा और एक बात और है कि ये अभी तक है अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं कुछ साल बाद देख रहे हैं तो होपफुली मैं इसमें काफ़ी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी ये अभी तक है जनवरी 2023 तक राइट और अगर मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं, उनके नोट चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ओके okay, और वीडियो अच्छा लगे लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर ये लेक्चर कैसा था आपको समझ में आया कि नहीं आया और मेरा फर्स्ट चैनल एंड मेरा जो, जो सेकंड चैनल है पूजा सिंह के नाम से प्लीज़ दोनों ही चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किए करिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा तभी आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल पाएगी ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट के चैलेंजेस क्या है ठीक है क्या क्या प्रॉब्लम आती है रिक्रूटमेंट में ठीक वैसे जनरल प्रैक्टिस क्या है लोगों को लगता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास बहुत सारी जॉब्स है जिसको ऑर्गनाइजेशन को फिल करना है उनको बड़े ईजिल एप्लीकेंट मिल जाते होंगे इनको बड़े ईजिली पोटेंशियल एप्लीकेंट यानी जो एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए पोटेंशियल एप्लीकेंट बड़ी ईजिली मिल जाते होंगे आपको ये लगता होगा ठीक है क्योंकि जैसे कहा जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो लोग तो बहुत ज़्यादा हैं तो आराम से मिल जाता होगा लेकिन एक बात बताइए कि एक्चुअल प्रैक्टिस में ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है रिक्रूटमेंट में ठीक है उसके पास बहुत सारी वैकेंसी है बट राइट एप्लीकेंट पोटेंशियल एप्लीकेंट पाना मुश्किल है मुश्किल होता है जनरली ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक है तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है पोटेंशियल एप्लीकेंट पाने के लिए ठीक अब ये प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करती है रिक्रूटमेंट में तो वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहली जो प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है दैट इज़ लिमिटेड बजट देखिए हर चीज़ का कुछ बजट होता है ये जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है ना इसमें कुछ खर्चा आता है ना कुछ बजट होता है पैसा चाहिए होता है इसके लिए एडवर्टाइजमेंट करना होता है ठीक है जैसे सपोज करिए कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू अगर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है तो क्या होगा कंपनी के जो एचआरस है वो कॉलेज में जाएंगे ठीक है कैंपस प्लेसमेंट मतलब आ, और वो कॉलेज कहाँ का है किस सिटी का है वहाँ जाएंगे वहाँ पे दो तीन दिन मतलब अपनी पूरी टीम लेके जाएगा एचआर जो पर्सन है वो कंपनी से अपनी टीम लेके जाएगा क्योंकि वहाँ पे कॉलेज में तो सैकड़ों स्टूडेंट होंगे तो इतने स्टूडेंट का पूरा इंटरव्यू वगैरह पहले रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू सब कुछ कंडक्ट कराने के लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं तो खर्चा लगता है प्लस एडवर्टाइजमेंट वग़ैरह करना पड़ता है तो देयर इज़ बजट रिक्रूटमेंट में पैसा लगता है बजट लगता है तो ये भी कभी कभार क्या होता है जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके लिए ये कंस्ट्रेन होता है कि ये प्रॉपरली क्या है रिक्रूटमेंट uh, की जो प्रैक्टिस है वो लंबे समय तक नहीं चला पाती हैं ठीक है ठीके? और बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाती हैं अबाउट इट्स जॉब ओपनिंग कि हमारे यहाँ पर जॉब ओपनिंग है ठीक है तो ये और इस बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाती हैं लंबे समय तक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस नहीं चला पाती हैं जिससे क्या है कि इनको पोटेंशियल एप्लीकेंट नहीं मिल पाते हैं ठीक है ठीके? तो ये पहली लिमिटेशन है रिक्रूटमेंट की लिमिटेड बजट बजट लिमिटेड है दूसरी जो लिमिटेड है लिमिटेशन uh, है सॉरी दूसरी जो लिमिटेशन है दैट इज़ अनअट्रैक्टिव जॉब अन अट्रैक्टिव जॉब तो एक बात बताइए कि आज का जो इन्वामेंट है ना वो बहुत चेंज हो गया है पहले के अगर दस साल पंद्रह साल पहले की बात करें और आज की बात करें अब जो मार्केट है ठीक है दैट हैज़ कम्प्लीटली चेंज वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है आज के टाइम पे जो एप्लीकेंट है उसको क्या चाहिए उसको चैलेंजिंग जॉब चाहिए ऐसी जॉब चाहिए जिसमें ग्रोथ हो ठीक है उसे अनअट्रैक्टिव जॉब नहीं चाहिए बोरिंग डल अनअट्रैक्टिव जॉब जिसमें कोई आगे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ना हो ऐसी जॉब एप्लीकेंट को नहीं चाहिए भले ही उसमें सैलरी थोड़ी ज़्यादा हो तो भी एप्लीकेंट नहीं लेगा आजकल के जो लोग हैं वो वैसी जॉब नहीं लेंगे जिसमें सैलरी भले ही ज़्यादा हो बट वो जॉब डल हो बोरिंग हो मोनोटोनियस हो जिसमें कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ना हो ठीक है तो पर वैसी वैकेंसीज तो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन में तो हर टाइप की वैकेंसी होती है ठीक है बहुत टाइप के जॉब होते हैं हर टाइप की वैकेंसी होती है तो जो अनअट्रैक्टिव जॉब्स है ना उनको फिल करना थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुश्किल होता है ठीक है तो दिस इज़ द सेकेंड चैलेंज तीसरा जो चैलेंज है दैट इज़ पुअर इमेज तीसरा जो चैलेंज है दैट इज़ पुअर इमेज तो कभी कभार ऑर्गेनाइजेशन के सामने ये भी चैलेंज आता है पुअर इमेज का इसका मतलब क्या है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट में इमेज अच्छी नहीं है ठीक है ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी मार्केट में इमेज अच्छी नहीं है तो क्या कोई एप्लीकेंट उस कंपनी के लिए अप्लाई करेगा कोई कंपनी एक्स है ठीक है उस कंपनी के प्रोडक्ट मार्केट में बदनाम है ठीक है सपोज करिए उसके प्रोडक्ट में कोई अभी कोई कमी निकल आई है ठीक है डेली न्यूज़ में आ रहा है कि पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट है इन्वामेंट uh, में बहुत पॉल्यूशन करते हैं इसके प्रोडक्शन से बहुत पॉल्यूशन होता है इस एक्स कंपनी के प्रोडक्ट से ठीक है इन्वामेंट पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट है इस एक्स कंपनी में जो बिजनेस मतलब जो इन्वायरमेंट है इंटरनल वो बहुत ही बायस्ड है ठीक है अगर पुअर इमेज है इस कंपनी की मार्केट में तो क्या कोई पोटेंशियल एप्लीकेंट क्वालिफाइड एक्सपीरियंस एप्लीकेंट क्या इस कंपनी की जॉब के लिए अप्लाई करेगा नहीं करेगा ना तो यही तीसरा कंस्ट्रेंट जो कंपनी फेस करती है ठीक है दैट इज़ पुअर इमेज नेक्स्ट जो चौथा कंस्ट्रेंट कभी कभार कंपनी फेस करती है दैट इज़ कंजर्वेटिव इंटरनल पॉलिसी अगर ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटरनल पॉलिसीज़ हैं रिक्रूटमेंट से रिलेटेड या बहुत सारे और फैक्टर्स हैं उनसे रिलेटेड अगर जो इंटरनल पॉलिसीज़ हैं वो अगर कंजर्वेटिव है कंजर्वेटिव मतलब रूढ़ी है ठीक है रूढ़ीवादी जैसे कि मतलब सपोज कर लीजिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रमोशन होता है वो आ, वो सीनियोरिटी के बेसिस पे होता है ठीक है वहाँ पे क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस या स्किल के बेसिस पे नहीं होता सीनियोरिटी के बेसिस पे होता है तो ये क्या है ये तो रूढ़ीवादी इंटरनल पॉलिसी है ना कंजर्वेटिव इंटरनल पॉलिसी है कि किसी इंप्लॉयी ने अगर ज़्यादा समय तक लॉन्गर पीरियड तक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है तो वही प्रमोट होगा भले ही वो अब काम अच्छा नहीं कर पा रहा है ठीक है कोई जूनियर एम्प्लॉई है उसको एक्सपीरियंस ज्यादा है वो क्वालिफाइड ज्यादा है लेकिन वो ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है प्रोडक्टिव ज्यादा है वो ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है तो भी उसका प्रमोशन नहीं होगा तो ये क्या है कंजर्वेटिव इंटरनल पॉलिसी और भी बहुत सारी ये तो मैंने केवल एक एग्जाम्पल बताया तो इस टाइप की अगर कंजर्वेटिव इंटरनल पॉलिसी है तो भी क्या होगा जो पोटेंशियल एम्प्लॉई है वो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं अप्लाई करेगा तो ये भी एक चैलेंज है अगला जो लास्ट जो चैलेंज ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है रिक्रूटमेंट में दैट इज रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट वर्नमेंट की भी कुछ पॉलिसीज़ हैं ठीक है जो कंपनीज़ को फॉलो करना है कंपनीज़ जब रिक्रूटमेंट करती हैं तो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ हैं जो कंपनी को फॉलो करना होता है ठीक है जैसे गवर्नमेंट ने कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल बनाए हुए हैं ना कि कुछ स्पेशल क्लासेस को कुछ परसेंटेज अगर रिक्रूटमेंट चल रहा है तो कुछ परसेंटेज जो है उनको रिजर्वेशन मिलता है ठीक है कुछ स्पेशल क्लासेस को रिजर्वेशन मिलता है तो ये भी कंपनीज़ को फॉलो करना होता है ठीक है तो ये भी क्या है एक ये मैंने के, के के एक केवल एक एग्जाम्पल बताया और भी इसी टाइप के बहुत सारे आ, कुछ आ, मतलब कह लीजिए थोड़े रिस्ट्रिक्शन लगते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नॉर्म्स होते हैं जो कंपनीज़ को फॉलो करने होते हैं जब कंपनीज रिक्रूटमेंट करती हैं ठीक है थीके? तो ये भी एक कंस्ट्रेन है कंपनी के सामने राइट तो ये थे कुछ पाँच कंस्ट्रेन जो कंपनी फेस करती है इन रिक्रूटमेंट राइट समझ में आ गया पाँच कौन से हैं एक तो लिमिटेड बजट पैसा ध्यान में रखना होता है अन अट्रैक्टिव जॉब पुअर इमेज कंजर्वेटिव इंटरनल पॉलिसीज एंड रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट तो ये पांच कंस्ट्रेंट कंपनी कभी कभार फेस करती है इन रिक्रूटमेंट ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छा मैं सोच रही हूँ कि ये लेक्चर तो काफ़ी लेंदी हो गया है ये जो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है जिसमें हमें दो सोर्सेज पढ़ने हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल ये अब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे ठीक है आज हम यहीं तक पढ़ते हैं तब तक आप यहाँ तक पढ़कर रखिएगा जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं उससे पढ़ के रखिएगा ठीक है अगले लेक्चर से हम ये सोर्सेज ऑफ जो रिक्रूटमेंट है ये स्टार्ट करेंगे राइट तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिएगा गॉड ब्लेस यू